जय गुरु जी। प्रियंका मैम, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब लोग? जय गुरु जी क्लास, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है संदीप बजाज और आज हम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन पे एक वेबिनार करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरप्रीत जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। ग्रेट ग्रेट यार, फाइन ही रहना चाहिए। कोरोना का टाइम है, जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। बिना मास्क के मार्केट में कहीं नहीं जाना, जब तक 100% जरूरी ना हो प्लीज घर में सेव रहें। आप सबका स्वागत है दोस्तों। कोरोना एक बहुत बड़ी टेंशन है और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना मास्क के घर से बाहर मत जाएं। जितना हो सके ओनली 100% इमरजेंसी पे बाहर निकलें। थोड़े और दोस्त यार आ जाएं, थोड़े और दोस्त यार आ जाएं तो हम सबको फिर एक बारी बैठ के एंटरटेन करते हैं। आप सबके अपने जो भी क्वेरीज हैं आप सब उसको नोट डाउन कर लें। जिस जिसका हैंड रेज होगा मेरे सामने तो मैं सबसे उनसे बात करूंगा। न्यूमरोलॉजी दोस्तों एक ऐसी साइंस है जो आपको लाइफ में बहुत 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 आशीर्वाद दे सकती है। न्यूमरोलॉजी शुरू होती है आपकी मेरी हम सबकी डेट ऑफ बर्थ से और न्यूमरोलॉजी में तीन फैक्टर बहुत जरूरी हैं, वो भगवान ने एज ए गिफ्ट दिए हैं हमारे को। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका कुआं नंबर, जिसको हम कहते हैं ड्राइवर कंडक्टर एंड एंजल नंबर। इस एंजल नंबर के दोस्तों इतने आशीर्वाद हैं, इतने फायदे हैं कि आप देखोगे कि कैसे लाइफ में आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। मेल और फीमेल का एंजल नंबर अलग होता है और आपने इसको हमेशा लेफ्ट हैंड पे लिखना होता है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इसको सुबह सुबह लिखें और उसके बाद अपने काम पे लग जाएं। अगर ये मिट जाता है या आपको लगता है कि फीका बढ़ गया है तो दोबारा लिख लो, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं है। जितना आप इसको लिखोगे उतना आपके लाइफ के अंदर आशीर्वाद आएगा। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स हो सकती है, एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद हो सकता है। सिर्फ यही चीज समझनी है कि कैसे आप इस नंबरों को अपने साथ जोड़ सकते हो। कुछ दोस्त अभी हमारे और जुड़ जाएं फिर इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एंजल नंबर क्या होता है। करीब करीब पौने 5:45 में पौने 7 बजे तक हम आपके साथ हैं। पौने 6 हुए हैं अभी, हम पौने 7 बजे तक आपके साथ हैं। आप इस विद्या के साथ जुड़ के कैसे अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हो, हमारा पर्पज ही यही है। हर डेट ऑफ बर्थ में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है और उसके अंदर हमें यह समझना है कि कैसे आपने आशीर्वाद लेना है। जी राजेश्वर जी बताएं, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? राजेश्वर जी अनम्यूट करें। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। सब कल भी था आपके साथ में प्रोग्राम में, बहुत अच्छा था कल का आपका सेशन सर। थैंक यू डियर, थैंक यू जी सर।
सर मेरे कुछ अपने सवाल थे सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1974 सर। हेलो ड्राइवर आपका एक है, कंडक्टर कितना है हेलो आपका? हाँ जी आवाज आ रही है। हेलो जी जी सर, मूलांक एक है सर, भाग्यांक जी सर मूलांक एक है, भाग्यांक सात है सर। ठीक है जी बताइए। हेलो बताइए आवाज आ रही है। मूलांक एक है, भाग्यांक सात। ठीक है बिल्कुल ठीक है। मूलांक एक है, भाग्यांक सात जी सर, भाग्यांक सात है सर। क्या ये थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रहा है सर जी। जी क्योंकि 2015 में मैंने घर लिया था। जी सबसे पहले तो आप ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े पहनने बंद कर दो। जी अच्छा, जितना आप ब्लैक और डार्क ब्लू पहनोगे उतना आपकी लाइफ के अंदर टेंशन हर्डल्स खड़ी होगी। जी अच्छा गुड। दूसरा कोशिश ये करो कि जितना हो सके चींटियों को आटा डालो। 1 किलो आटा लो, आधा किलो बूरा लो, बूरा का चीनी होती है वो आपने लेके उसको मिक्स करना है और डेली आपने अपने हाथ से 60 ग्राम्स, 70 ग्राम्स या 100 ग्राम्स आपने चींटियों को डालना है। जी गुरु जी। जितना आप चींटियों को डालते जाओगे उतना आपके लिए आशीर्वाद आता जाएगा। जी अच्छा जी। और कोई उपाय सब मेरे लिए मतलब जो फाइनेंशियली? फ्राइडे के फ्राइडे खीर बनाओ घर पे, और घर पे ही बननी चाहिए, गरीब लोगों को बांटना स्टार्ट करो और देखो कितना बड़ा उसमें ब्लेसिंग्स आ जाती है। जी अच्छा जी। अभी घर भी बेचने के सोच रहे सर, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है। 19 कितना आपका? 19 क्या डेट ऑफ बर्थ है? 19 चार है सर। 4 और 1 5 बिक जाएगा, इसी साल बिक जाएगा। गाय को आलू खिलाना स्टार्ट कर दो, रोज बिक जाएगा। गाय को आलू खिलाना जी अच्छा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल भाई जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं 5 मिनट ज्वाइन करता हूँ, बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिंक नहीं ज्वाइन कर पा रहे। ठीक है डियर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अनुपमा मैम बताइए कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी थोड़े बच्चे और जुड़ जाए फिर सबको बताते हैं एंजल नंबर के बारे में, उसको और देखते हैं जी। अनुपमा मैम। हेलो जी मैम। मैम सर, हम मेरा नाम अनुपमा सरीन है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1965 है। और मोबाइल नंबर मेरा 9810800506 है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे इसको सर? मुझे तो कुछ पता नहीं आ रही है। ड्राइवर कंडक्टर देखो मैडम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, जो पहली डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी। आप जी हाँ हाँ जी, 15 जनवरी को आप ऐड अप करेंगे 1965 के साथ, तो आपका कंडक्टर आएगा सबको ऐड करने के बाद, और 15 जो है उससे आपका ड्राइवर आया है मूलांक। हाँ मूलांक 6 हो गया ना मेरा। जी जी। और भाग्यांक कितना आया वो बताओ? भाग्यांक कैसे करेंगे इसमें? मैं जोड़ो थोड़ा 15 पूरा जोड़ो ना मैडम, 1+5। हाँ 1+5 जी। आगे क्या है? 0 1। हाँ 1+5+0+1+1+9+6+5 बताओ टोटल कितना हाँ। आया? तभी तो सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आप इस सीख विद्या से सीख के अपनी लाइफ में कैसे आशीर्वाद ले सकते हो, वो समझने वाली हाँ। बात है। अच्छा जी कितना आया? अरे कैसे पता चलेगा, अभी निकालने में टाइम लगेगा गुरु जी। चलो मैडम फिर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं फिर आपसे जी। विशाली अच्छा, मैम जी। विशाली मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मेरा ड्राइवर है 7 और कंडक्टर है 5। ओके। और लेकिन मेरे ना सारे बनते काम रुक जाते हैं। ओके। कभी भी सफलता एक नहीं मिलती, बहुत टाइम लग जाता है, और मिलने वाली होती है तो वो वहीं रुक जाता है, नहीं मिलती पूरी। जी मैम, आपकी अपनी सबसे पहले नेम की स्पेलिंग 1 पे लेके जाओ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। और इसके साथ साथ क्या करो, एवरी फ्राइडे गरीब लोगों को कुछ व्हाइट स्वीट्स दो। जितना आप व्हाइट स्वीट्स बांटोगे 15 लोगों को कम से कम, उतना आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आता जाएगा। तो वो कोई भी स्वीट जैसे बर्फी या कुछ भी लेके बांट दो, रसगुल्ला, बर्फी, पेस्ट्री, जो भी व्हाइट हो, छेना मुर्गी, जो भी आपको मिल जाए, बट ओनली व्हाइट। ठीक है, जितना आप ये बांटोगे उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती जाएगी। और
इसके साथ साथ कोशिश आपने ये करनी है कि ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने, वो आपके सबसे बड़े एनिमी है। ठीक है गुरु जी, जी ठीक है। और कोई उपाय गुरु जी है इसके लिए? बस अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक करो, उसको रोज डेली 104 टाइम्स लिखो, उसी से सारी ब्लेसिंग्स आ जाएगी। और साथ में डॉग्स की सेवा करो, क्योंकि अपना ड्राइवर 4 है, ड्राइवर 7 है। जितना आप डॉग्स की सेवा करोगे उतना आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू जी। जेटी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। मेरी लड़की के बारे में पूछना है मुझे। बताइए। जो 11 साल की है। बताइए। उसका ड्राइवर नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4th February 2011। जी। उसका ड्राइवर आ रहा है 4, कंडक्टर 1 है। हाँ, कंडक्टर 1 है। और कुआ नंबर, जो इंजन नंबर बोलते हैं उसको 8 है। ठीक है। और उसका फुल नाम लिखता हूँ मैं, गिल जतिन त्रिवेदी, तो 7 आ रहा है। गलत है। नाम सीधा नेम 5 पे ले जाओ, बिटिया आपकी बहुत तरक्की करेगी। एक अच्छी लॉयर, एक अच्छी शेफ, एक अच्छी आईएएस ऑफिसर, एक अच्छी आईपीएस ऑफिसर बन सकती है। फोकस करके पढ़वाओ बस। अच्छा जी, ओके। और कुछ उपाय? उपाय डॉग्स की सेवा और सूर्य को जल रोज सुबह 6:15 बजे। डॉग्स की सेवा और सूर्य को जल, जी 6:15। अवॉइड ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर क्लोथ्स होल लाइफ। अच्छा, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। यस, ओके सर। और मेरा ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 7 है। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। तो सर, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसमें सक्सेस होगा? बिल्कुल बढ़ो मिकिशा, बिल्कुल बढ़ो। बहुत अच्छा आपके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ बर्थ है। आप चाहो तो लॉ पढ़ो, आप चाहे तो आईएएस आईपीएस की तैयारी करो, बहुत उसके लिए बेनिफिशियल है। जब भी आप पढ़ाई करते हो आपका फेस किस तरफ होता है? सर, फेस मे बी शायद नॉर्थ की तरफ होता है। मे बी नहीं, उसको 100% नॉर्थ ही करना मैम। ओके, बिल्कुल। और कुछ? और जब भी एग्जाम देने जाओ कुछ येलो पहन के जाओ। येलो पहन के जाऊं, ओके। और दूसरा एक बात बताना था कि सर, कोई ब्रेसलेट रेकमेंड कर सकते हो आप? येलो सिट्रिन और ग्रीन एवेंचुरिन, ये दोनों पहनो आप। ओके। और ब्रेसलेट आप बताते हो कि ओनली लेफ्ट हैंड में ही डालना है? ओनली लेफ्ट हैंड में। ओके, तो अगर लेफ्टी हो तो भी लेफ्ट हैंड में डालना है? तब भी लेफ्ट में। हमारा राइट पार्ट जो है मेल है, हमारा लेफ्ट पार्ट जो है फीमेल है। राइट हैंड हमेशा देने के काम आता है, लेफ्ट हैंड हमेशा यूनिवर्स से जो भी चीज मांगनी है उसके उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। ओके सर। और कुआ नंबर रोज लिखना है? रोज, टिल यू लिव इन दिस वर्ल्ड। ओके। और कुआ नंबर जो है वो मेरा 6 निकलता है, तो वो लोशु ग्रिड में काउंट होता है? होता है, 20% पावर है उसकी। ओके सर, बस इतना ही आपसे जानना है। आप हमारे ऑफिस से मंगवा लो, 9911736555। ओके, ब्रेसलेट ना? हाँ जी। एनर्जाइज ही आएंगे ना? एनर्जाइज ही आएंगे, बिना एनर्जाइज के हम देते ही नहीं है। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी राजेश नारायण जी। गुरुजी प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरुजी सर, जय गुरुजी। गुरुजी, मेरा ड्राइवर नंबर है 3, कंडक्टर नंबर है 9 और इंजन नंबर है 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बताए कैसे हेल्प कर सकता हूँ? गुरुजी थोड़ा सा बताएं, एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी का कोई भी नहीं बन पा रहा है लेने का। 258 है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, देखो आपने जी। 258 है? 258 नहीं है गुरुजी। तो सबसे पहले एक ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रासलेट लो, और उसके साथ साथ एक टर्मोलिन सेलेनाइट का ब्रासलेट पहनो। ये दो ब्रासलेट आपको पहनने हैं, और कोशिश करो कि डेली गाय को 1 किलो आलू खिलाओ। जब से आप ये करना स्टार्ट करोगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। और कोशिश ये करो कि एक विश पिरामिड है हमारे ऑफिस से मंगवा लो, और उसको घर के 270 डिग्री पे रखो, उसमें विश डाल के रखो येलो कागज से, और उसमें विश लिखनी है कि गॉड, गुरुजी, जिसको भी आप मानते हो, मुझे मेरा मकान मिल गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कभी नहीं कहना कि मुझे मेरा मकान दे दो, ना, कभी नहीं।
यही कहना है, मुझे मेरा मकान मिल गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स गिविंग के लिए। जी जय गुरु जी। जी आरती सहगल मैम। जय गुरु जी मैम। सर जय गुरु जी। सर मैं आकृति सहगल। म्यूट करें मैम, आप म्यूट हो गए हैं। आकृति मैम म्यूट करें। चलिए कुछ दिक्कत लग रही है आपके साथ। जी अंकिता मैम। हेलो। जी अंकिता मैम, जय गुरु जी। सर एक्चुअली मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। जी सर एक्चुअली उसका मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है उसका, और क्यूआर नंबर जो अनम्यूट करो मैम, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी मैम। जी सर मेरे ब्रदर का मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है, और क्यूआर नंबर 3 है सर। ठीक है। हाँ तो मुझे ये पूछना है एक्चुअली कि मतलब वो गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बट मतलब उसकी जॉब भी चल रही है और अभी तक कुछ गवर्नमेंट की खास एग्जाम्स दे नहीं पाया है, और जो भी दी है उसमें वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है, तो उसको गवर्नमेंट की जॉब के लिए क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। 11/8/1997। ओके देखो 11 के अंदर से 11 आया है, 1997 से भी एक वन और आ गया है, उनके 97 में 7 भी है और 8 भी है, डेफिनेटली इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इनके नेम की स्पेलिंग सीधा 5 पे ले जाओ, नेम की स्पेलिंग 5 पे लेकर जाना है। मोहित नाम है सर, मोहित। मैम पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। दूसरा इनको बोलो कि आज के बाद जब भी एग्जाम देने जाएं तो कोशिश करें कि कुछ येलो पहन के जाएं। येलो पहन के जाना है एग्जाम में। जी हाँ। और सर एक जी, हाँ? अभी जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा फेस नॉर्थ की तरफ जाए। फेस नॉर्थ की तरफ रखना है पढ़ाई करते टाइम पर। हाँ ठीक है सर। और एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि इसको मतलब ब्रदर को ब्रेसलेट वगैरह कोई सा आप सजेस्ट करेंगे। आप मेरा फोन नंबर नोट कर लो, जब वेबिनार खत्म हो जाए मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कल सुबह आपको रिप्लाई दे पाऊंगा, आज मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। आपको ब्रेसलेट की फोटोग्राफ भी आ जाएगी साथ में। ठीक है सर, आप एक बार नंबर मुझे बता पाएंगे। 9 9 9 7 3 6 7 3 6 555 555। ठीक है सर, मैं एक बार आपसे मतलब आपको मैसेज कर देती हूँ वेबिनार खत्म होने के बाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी राहुल भाई। जय गुरुजी। जय गुरुजी। तो 5 मिनट खाली क्लास से बात करूं। प्लीज प्लीज डियर। जय गुरु जी। सभी को गुरु जी को प्रणाम और जय गुरु जी। आप लोगों का यहाँ बहुत वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज सर आपको पर्सनल ईयर पे कंसल्टेशन देंगे कि आपको कैसे अपनी लाइफ में किस तरीके से न्यूमरोलॉजी का फायदा उठा के आप अपने आप को जीवन को बदल सकते हैं। अब इस वेबिनार का आप पूरा आप अपने क्वेश्चन से स्पेसिफिक रहिए, जो क्वेश्चन आपको सर से पूछना है प्लीज आप कनेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं। अभी अपना क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप सर से पूछ सकते। एक और बात है कि 3 जून और 7 जून को संदीप सर अपना कोर्स गुरुजी ब्लेसिंग्स हम अपना कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको एडवांस बेसिक एडवांस एंड प्रोफेशनल तीनों लेवल सिखाए जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसकी फीस है 12,345 रुपये प्लस GST 18%, टोटल होता है 14,587 यानी 14567। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल्स और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्लस सर अपनी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट देंगे। अभी जो भी इन कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो सर आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे। इस कोर्स में करने के बाद आपको न्यूमरोलॉजी और आपका एस्ट्रोलॉजिकल जो थिंग्स हैं उस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दूसरा मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, आप किसी भी न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करते हैं इससे बेटर है कि आप एक कोर्स सीखें, आप अपनी और अपने परिवार जनों की कई जनों की लाइफ बदल सकते हैं। सर की कंसल्टेशन फीस भी अगर मैं बात करूं तो 10,500 रुपये है और 15,000 का कोर्स है, तो आपको सर पूरी विद्या पूरी न्यूमरोलॉजी आपको 15,000 के अंदर 14,567 रुपीज में सिखा दे। आप अपनी और अपने परिवार की और अपने मित्र जनों की बहुत जनों को आप अपने इस चीज को बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको प्रोफेशनल भी कर सकते हैं,
ये पूरा आपको तरीका सिखाया जाएगा इस कोर्स में। सर आप जो अपना गिफ्ट दे रहे थे 3 PDF वाला, प्लीज आप इनको एक्सप्लेन करें। दोस्तों मेन बात ये है कि जो जो लोग इस कोर्स के अंदर जुड़ेंगे, हमने अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने की कोशिश करी है। वो गिफ्ट है 3 PDF, 3 PDF रिपोर्ट्स जो है वो आपको दी जाएंगी, जो कि कंप्यूटर से बनती हैं, जिसकी मैं चार्ज लेता हूं 5100। आपको वो हम 15300 की रिपोर्ट गिफ्ट देंगे। ये प्योरली हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट होगी। आप इसको करने के बाद जब देखोगे, समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा टूल है आपकी लाइफ के अंदर। जी राहुल भाई, ऐसा मान लीजिए सर ये कोर्स आपका बिल्कुल प्रॉपर्ली फ्री है, देखा जाए तो। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्लीज आपको जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों। सर आपका नंबर प्लीज, 9911736555 एंड 8802120101। सो आप इसमें कोर्स करके ज्वाइन कर सकते हो, इस विद्या को सीख सकते हो, समझ सकते हो। आपने लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। जी खुशबू मैम, डेफिनेटली। इसके अलावा हमारे सारे पेमेंट के गेटवे ऑप्शन अवेलेबल हैं, गूगल पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, UPI, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे आप EMI मिल सकती है, आप सर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप EMI के लिए मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। प्लीज सर एक और रिक्वेस्ट है, आपके वहाँ पे एडमिट्स पड़े हैं कुछ ग्रुप, प्लीज उनको एडमिट कर दीजिए। सबको कर दिए डियर, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम डियर, वेलकम। सो प्लीज जी आनंद भाई, जय गुरु जी। सबका नंबर आएगा, देखो जिन जिन के हैंड रेज है, क्योंकि आप देखो आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा बटन होगा रिएक्शन का, देखो जैसे मेरी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये है रिएक्शन का बटन। आप जब इसको प्रेस करते हैं तभी मेरे सामने हैंड रेज होता है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप भी कुछ क्वेरी है। जी आनंद भाई। सर नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी। जी जय गुरु जी। सर मेरा ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 4 है और मेरा कुआ 7 है। आज तक मुझे, मैं बी केमिकल हूँ, लेकिन जो सफलता चाहिए वो तो मिली नहीं है। और मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है जहाँ पे मेरे 1.5 लाख रुपए अटके, वो बंदा मुझे 3 सालों से घुमा रहा ही है और आज तक सक्सेस नहीं मिली। और मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं आनंद क्षत्रिय लिखता हूँ, जो आनंद 8 पे है और टोटल आता है 37 पे। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर क्या बताया आपने? 3 और 4, कुआ 7। ठीक है, सीधा अपनी नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ। और इसके साथ साथ आपने एक सबसे पहले जरूरी काम करना है, एक मंत्रा मशीन मिलती है मार्केट में 300 रुपए की, जिससे आपने पेमेंट लेनी है। आप उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लो, उस फोटोग्राफ के पीछे लाल पेन से आपने उसका नाम लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उस फोटो को उस मशीन के स्पीकर पे चिपका के गायत्री मंत्रा ऑन कर दो और 24/7 वो गायत्री मंत्रा चलता रहना चाहिए। जैसे जैसे वो गायत्री मंत्र चलता रहेगा, अपने आप यूनिवर्स से कमांड उसके माइंड में जाएगी और उसका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, आपको भी एक ब्रासलेट पहनना चाहिए ग्रीन एवेंचुरिन का, वो आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगा। और चूंकि नेगेटिविटी जैसे आप बता रहे हो इतनी ज्यादा है, तो टर्मोलिन और सेलेनाइट ये दोनों आप हमसे मंगवा सकते हो, लेफ्ट हैंड में पहनना है। पहनने के दिन है मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे। सर एक क्वेश्चन था, आपने वो जो बताया कि गायत्री मंत्र लेना, किसका फोटो लगाना है वहाँ पे, कुछ पता नहीं था। आदमी का जिससे आपने पैसे लेने हैं 1.5 लाख रुपया। हाँ उसका फोटो लगा के उसका डेट ऑफ बर्थ और लगा देना चाहिए। फोटो के पीछे उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख के उसके स्पीकर पे चिपका के छोड़ दो और उसको चला दो 24/7। ठीक है सर। और एक सवाल था कि आनंद क्षत्रिय, ये मेरा आनंद अरुण क्षत्रिय 50 पे आता है पूरा नाम, और आनंद क्षत्रिय जो ANNAND क्षत्रिय 51 पे आ रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, 41 या 50? देखना पड़ेगा डियर, उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। दोनों ही एक ढंग से अभी अच्छे लग रहे हैं, बट प्रॉपर वर्किंग होने के बाद हो पाएगा। सर एक सवाल रहता है कि न्यूमरोलॉजी में पहला नाम 8 पे 4 पे आना अच्छा रहता है?
नहीं, कभी भी नेम के स्पेलिंग को कोशिश करना है कि 248 पे ना आए, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। टोटल जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। टोटल अगर आपका 41, 32 या 50 से आ रहा है, हमें वो चीज को देखना है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। हाँ, लेकिन एक सवाल सर, मैंने आपका देखा है, आपका संदीप 8 पे आता है। हाँ, तो मैं कभी अकेला संदीप नहीं लिखता हूँ ना, मैं हमेशा संदीप बजाज इकट्ठा लिखता हूँ, 41 पे आता है। हाँ, तो फिर मेरा आनंद क्षत्रिय 41 पे आता है तो चलेगा? वैसा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, बिल्कुल चलेगा। 5 किसी भी ढंग से आ जाए, हमें तो उससे आशीर्वाद देखना है, कैसे लेना है। ठीक है, जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी प्रियंका मैम, प्रियंका हल्दर जी, प्रियंका मैम। हाँ, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मुझे एक बात पूछनी थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 है, मतलब ये नंबर 6 है और ड्राइवर नंबर 8 है। ठीक है, मैं लॉयर हूँ, मेरे पास सब सजेशन लेने आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। ओके, यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप एक ब्रासलेट पहनो, इसका गोमती चक्र वाला, वो सिल्वर में है, वो सिल्वर में ही पहनोगे तभी उससे ब्लेसिंग्स आएगी। जैसे मैंने खुद पहना हुआ है, ये आप देखोगे, ये है, क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं ये अपनी दुख तकलीफ और नेगेटिविटी लेके आते हैं, और आपको अपने अंदर उनके प्रति बहुत आशीर्वाद है, बहुत सारा आप उनके साथ हर चीज को देखते हो, सुनते हो, बट काम नहीं बन पाते हैं। उसका यही तरीका है कि आप सबसे पहले एड़ा ब्रासलेट पहनो। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एवरी फ्राइडे को गरीब बच्चों को कुछ व्हाइट स्वीट्स खिलाओ। जितना आप व्हाइट स्वीट्स खिलाओगे उतना आपके लिए ब्लेसिंग आता जाएगा। अच्छा, कुछ कलर ऐसा कुछ पहनना है जो इसमें अच्छा होगा? व्हाइट पहनो जितना ज्यादा हो सकते हो, आप चूंकि लॉयर हो, ब्लैक तो व्हाइट ही पहनो, व्हाइट ही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो कोशिश ये करो कि येलो से दूर रहो, बस येलो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। थैंक यू जी। शोभा मैडम, जय गुरु जी। शोभा मैम, जय गुरु जी। जी रमेश जी बताइए। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार रमेश जी। सर मेरा ड्राइवर है 1 और कंडक्टर है 4 सर। ठीक है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून। जी आप अपनी वीडियो बंद कर लो डियर, आप अपनी वीडियो बंद कर लो, आवाज क्लियर आएगी। 10th जून 1968 है सर। ठीक है, मेरा ड्राइवर है 1 और कंडक्टर है 4 सर। ठीक है डियर, बताइए कैसे हेल्प कर सकता हूँ सर। मेरा काम अधूरा रह गया सर, मेरा सर्विस अभी तक पूरा गवर्नमेंट में नहीं गया, आप गवर्नमेंट में रहके रह गया। ओके, बहुत दिक्कत चल रहा है सर। एग्जाम दो डियर, आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम दो, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक बहुत अच्छी है, आप लाइफ में प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बने हैं। अच्छा सर जी, अभी इसका रिकवरी कैसे हो सकता है सर? दिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अभी तक घर बन नहीं पाया, कुछ नहीं बन पाया सर। जी जी, देखो वो तो क्या ना, हर प्रॉब्लम के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आपका घर नहीं बन पाया तो एक पायराफायर ले और एक विश पिरामिड ले, अपने घर के 270 डिग्री पे रखो और रोज पायराफायर करो, देखो उसे कितनी जल्दी घर बनता है। अच्छा सर जी, वो आपसे मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा जी, आप अपना व्हाट्सएप करके मुझसे उस चीजों का आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, और हमें कुछ नहीं पहनना है सर, ऐसे कुछ है? देखिए मेन बात ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन पहनोगे तो आपके बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारे रास्ते ओपन होते जाएंगे। ग्रीन एवेंचर सर जी। अच्छा, वो कितने का आ जाएगा सर आपके पास अवेलेबल? 1100 रुपए प्लस कुरियर चार्जेस। ओके सर जी, वो आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। अजय सिंह जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अजय सिंह जी, जी सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1968। ठीक है जी, और ड्राइवर नंबर है 6 और कंडक्टर नंबर 3 है। ओके, और मिसिंग नंबर है 2, 4 और 7 सर। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा जी। डियर ड्राइवर कंडक्टर कितना बताया आपने?
सिक्स नंबर ड्राइवर है और कंडक्टर नंबर थ्री है। ओके, ये दोनों ही आपको हेल्थ इश्यूज भी दे रहे हैं, हेल्थ इश्यूज कितनी है आपको? सर हेल्थ इश्यू तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि दौड़ना फिरना योगा सब चीज चालू है। ओके, बट कहीं ना कहीं पे अपना फिटनेस भी करवाते रहो, अपना चेकअप करवाते रहो, क्योंकि सिक्स और थ्री का जो कॉम्बिनेशन है सबसे पहले ये हेल्थ पे अटैक करता है फिर वेल्थ पे। जी, आपने क्या करना है, आज के बाद कभी व्हाइट और येलो कपड़े नहीं पहनने, ये आपके लिए दोनों ही फैटल है। कोशिश ये करो कि एवरी संडे को गुरुद्वारे जाओ और वहां पे जाके एक किलो रेड दाल, मसूर की दाल जो होती है, दान करना स्टार्ट कर दो संडे को। संडे को, और इसके साथ साथ कोशिश आपने यही करनी है जितना हो सके गाय को आलू खिलाओ, जितना गाय को आलू खिलाते जाओगे उतना लाइफ में अपलिफ्टमेंट आता जाएगा। मैं खुद जो बना हूँ अजय भाई, पिछले 10 साल से गाय को रोज आलू खिला रहा हूँ 1 किलो। ओके ओके, थैंक यू। कविता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, आवाज कम आ रही है आपकी। जी बताइए, मच बेटर। जी सर, सर मैंने कल भी आपका ज्वाइन किया था, आपने कहा आपकी बिजनेस पहले में आप 6 पे ले जाए तो 33 का 6 ठीक रहेगा सर? 33 का 6 कह रहे हैं? 33 का 6 आपने कहा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट रहेगा, एक्सीलेंट। अच्छा सर, और मेन पहले में आपने 1 या 5 बोला था, तो 64 का 1 और 14 का 5 चलेगा सर? दोबारा बोलो, कितने का 1? सॉरी सर, कितने का 1 बोल रहे हो? 64 64 बिल्कुल चलेगा 64। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, 4, 5, 6 पूरा हो जाएगा आपका। ओके सर, एक चीज आपको बिजनेस के लिए पूछना था सर, आपके बिजनेस के बारे में, तो जैसे आप बोल रहे हो आप क्लास करवाओगे, तो आप जितने दिन का कोर्स करवाते होंगे उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है, तो हम जैसे आप बोलते हैं हम सीख जाएंगे वो करना, रिपोर्ट बनाना, आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, ग्रुप में सब स्टूडेंट होते हैं और आज भी मेरे 7 साल पुराने ग्रुप चल रहे हैं जो डिलीट नहीं हुए, सब स्टूडेंट्स एक फैमिली की तरह होते हैं, एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड होते हैं। मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है, मैं तो उस ग्रुप में हूँगा देखने के लिए बस, आपको सिखा देंगे ताकि आप अपनी सेल्फ हेल्प करो। मेरे पास मैडम 7,000 स्टूडेंट है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैं हर स्टूडेंट का ध्यान रखूं। जो स्टूडेंट रिपीट कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए फीस है खाली 3333। पुराना सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी दिखानी पड़ती है तभी नए कोर्स में एडमिशन मिलता है। जो भी रिपीट करना चाहते हैं ये उनके लिए एक स्पेशल वो रिकॉग्निशन होता है कि आप इसको ज्वाइन करो, फिर ओनली फीस 3333। शुभा मैम, जय गुरु जी। शुभा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। सर मैंने कल ज्वाइन किया था और मेरा मूलांक 2 था और भाग्यांक 4 और मोबाइल नंबर 2 है, तो सर एक तो मुझे बिजनेस के लिए पूछना था, मैंने जैसे ऑनलाइन कपड़ों के बिजनेस के लिए बोला था, तो मुझे एक तो बिजनेस के लिए पूछना था कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए मेरे लिए। आपका ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 4 है। 4 है तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वो 6 नंबर से है, ठीक है, आपके लिए कोई बुराई नहीं है। अच्छा, बुटीक का काम कर सकती हूँ सर मैं? बुटीक का काम कैसा रहेगा? मैं एक्चुअली लॉकडाउन के कारण खोल नहीं पाई, लेकिन खोलने का था मुझे। बिल्कुल अच्छा रहेगा मैम, सारी बात ये है कि आप पहले प्रॉपर अपने नेम की स्पेलिंग को ठीक करो, अपनी कंपनी के नेम की स्पेलिंग को ठीक करो, अपना अकाउंट नंबर, अपना सिग्नेचर, ये जब तक ठीक नहीं होंगे लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले 4 चीजें हैं लाइफ में, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, आपकी नेम की स्पेलिंग और आपका मोबाइल नंबर। इसके सिर्फ चार्जेस हमारे 2,500 है, उसके हिसाब से फिर आप आगे जा सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है सर 1 प्लस 7। जी मैडम बोलिए। मैडम आवाज आ रही है आपको? सर
जी मैडम बोलिए प्लीज। हाँ मेरी डॉटर के लिए पूछना था। बताइए। वो एक शी इज बोर्न ऑन 10 जनवरी 1989। ओके। तो एक है ड्राइवर इज वन एंड कंडक्टर इज टू। ठीक है। तो मुझे उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, शी इज गोइंग इन द फेज ऑफ डाइवोर्स। ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिक्स है मैडम। 10/1/1989। तो उसमें सिक्स नहीं है, सिक्स की रेमेडी करवाओ पहले, वो बहुत जरूरी है। एक हमारे पास से हस्बैंड वाइफ का ब्रासलेट है, अगर हस्बैंड पहन सकते हैं साथ में तो अच्छा है, नहीं तो इनको अपनी बिटिया को जरूर पहनाओ। क्या पहना है? ब्रासलेट। ब्रासलेट जी मैम। दूसरा उनको बोलो कि एवरी फ्राइडे के फ्राइडे गुरुद्वारे जाके 2 किलो दूध 2 किलो चावल 2 किलो चीनी छोड़ के आनी है, नहीं तो घर पे खीर बनाओ और बच्चों को बांटो, उसी से मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा आशीर्वाद आ सकता है। और बिटिया को बोलो कि ब्लैक और डार्क ब्लू पहने बंद कर दे। ठीक है जी। ओके जी। परमिंदर जी नमस्ते सर। नमस्कार जी सर। मेरा 16/7/1991 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। ओके जी। उसकी शादी नहीं हो रही अभी। ओके जी। 16/7/1991 7 1 8 1 9 16 मतलब 7/7 बिल्कुल ठीक है। बेटे के नाम के स्पेलिंग 5 पे ले जाओ सबसे पहले। हाँ जी। और इनको बोलो 5 पे, और इनको बोलो कि एवरी थर्सडे 9 पीस फ्रूटी या येलो स्वीट्स गरीब लोगों को बांटें, और फ्राइडे के फ्राइडे 2 किलो दूध 2 किलो चावल 2 किलो चीनी गुरुद्वारे छुड़वाना स्टार्ट कर दो। ओके। बहुत जबरदस्त उपाय है, ये दोनों करवा दो, शादी हो जाएगी। थैंक यू सर। वेलकम सर। वेलकम जी। राजेश भाई नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/01/1980। ठीक है। ड्राइवर 5 और कंडक्टर 1980। कंडक्टर कितना हुआ निकालना नहीं आता? जी नहीं। बोलो डेट ऑफ बर्थ बोलो। 23 23 जनवरी 1980। ठीक है। 3 2 5 और 1 6 ड्राइवर 5 कंडक्टर 6 बताओ कैसे हेल्प कर सकता हूँ? सर हेल्थ के बारे में जानना था। हेल्थ के लिए कोई इतना मेजर नहीं है, 3 2 5 और 1 6 5 11 थोड़ा आपको 2019-2020 में प्रॉब्लम थी, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा गाय को सेवा करो, जितनी गाय की सेवा करोगी उतना उसके अंदर आशीर्वाद आएगा। और इसके साथ साथ ब्लैक और डार्क ब्लू पहनना बिल्कुल बंद कर दो, जितना काला नीला पहनोगे उतना लाइफ में टेंशन आएगी। जी सर। जी सर, एक्चुअली मुझे ना पिछले महीने ना कोरोना हुआ था, तो सर उससे रिलेटेड मतलब हेल्थ का आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, थोड़ा साल हल्का है, पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम दे सकता है। अपना पूरा प्रॉपर चेकअप करवाओ। आप इसके साथ साथ एक काम कर सकते हो, डेली चींटियों को आटा डालो, 1 किलो आटा लो 1/2 किलो बूरा लो दोनों को मिक्स करो, और उसके बाद रोज 50 ग्राम या 100 ग्राम आटा डालो चींटियों को पेड़ के नीचे। ठीक है सर। थैंक यू। और अपना एंजल नंबर, आपका एंजल नंबर 2 है, उसको हाथ पे लिखो रोज, जैसे जैसे लिखते जाओगे ये बीमारियां दूर होती जाएंगी। ठीक सर। ओके डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। सोहन बजाज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। सर जी, एक्चुअली मेरा मूल्यांक 4 है और भाग्यांक 2 है। ठीक है। मतलब मेरा जन्म तारीख 4 सितंबर 1987 की है। 1987। ठीक है। तो सर मेरा ना कैरियर अभी सेट नहीं हुआ है, साथ ही साथ मुझे एंजाइटी भी बहुत रहती है। ओके। पानी पीना स्टार्ट करो।
रोज आपने पानी जो पीना है या तो सिल्वर ग्लास से पीना है या आपने ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है जितना हो सके। और इसके साथ साथ डॉग्स की सेवा करनी स्टार्ट कर दो सोहन डियर। जितना आप ड्राइवर उनकी डॉग्स की सेवा करोगी उतना आपके लाइफ में आशीर्वाद आता जाएगा। जी सर। और ऐसे बताओ कि ऐसे मुझे इस साल बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए, क्या बेटर रहेगा? चार कितना पर दोबारा बोलना? चार सितंबर 1987 आठ और एक नौ सात चार ग्यारह दो। बिजनेस ही करोगे यार? सर बिजनेस तो अभी लॉकडाउन से अच्छा नहीं चल रहा सर। आईटी का बिजनेस करो, ऑनलाइन बिजनेस करो, एंटरटेनमेंट वीडियोस कुछ ऐसा काम करो, जितना आप आईटी के साथ जुड़ोगे उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगा। आईटी का बिजनेस? जी जी। थैंक यू सर। ओके डियर जी। हर्षवर्धन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1994। हेलो जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है और कुआ नंबर है सर 6। ठीक है सर। अभी तक कोई काम नहीं करने लगा मैं, मेरी लाइफ में क्या होगा? कुछ भी काम पूरा नहीं कर रहा। क्यों नहीं करते मेरे भाई? क्यों नहीं करते मेरे भाई? एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, आप पढ़ाई करके एक अच्छे लॉयर बन सकते थे। अगर आप चाहो तो वो जो काम होता है लॉयर वाला वैसा काम कर सकते हो, कंसल्टेशन देने का, वो जो बैठ के नोटरी वगैरह बनाते हैं ना वैसी शॉप खोल लो, बहुत अच्छा आ जाएगा काम आपके पास। सर मैंने है ना एमएससी मैथ की है। ठीक है, क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? मैं सर बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे भाग्य किस चीज का भाई? बिजनेस हो गया किस चीज का? सर बिजनेस के बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, बिजनेस ही करना चाहता हूं। यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, आप नोटरी का काम करो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टेशनरी की दुकान खोल लो। स्टेशनरी काम आपके लिए बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो फिर जॉब ढूंढो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अभी आप जॉब करोगे तो ये आपके लिए फेस जो है जॉब वाला अच्छा रहेगा, करीब करीब दो साल के बाद आप अपना बिजनेस करो, उसमें ज्यादा अच्छा आशीर्वाद आएगा। फिर मैं बाहर सेट हो सकता हूँ? ना बिल्कुल नहीं, रेमेडी करोगे तभी होगा। अपनी नेम की स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ तभी उसमें से आशीर्वाद आएगा। नेम की रेमेडी करो, गाय की सेवा करो, एवरी फ्राइडे को 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी गुरुद्वारे छुड़वाओ। कितनी देर तक करनी है सर? जब तक आप अब्रॉड ना पहुंचो, फिर उसके बाद अब्रॉड पहुंच के करो। सर वो लाइफ में क्लैरिटी कैसे आ सकती है, वो उसके लिए कोई उसके लिए यही है कि जितना आप कोशिश ये करो कि डॉग्स की सेवा करो, जितने डॉग्स की सेवा करोगे आपके दुश्मन भी कम होते जाएंगे, क्लैरिटी भी आती जाएगी। और क्या कर सकते जी? गुरप्रीत भाई करने को तो बहुत कुछ है मेरे भाई, ये तो आपको देखना है कि करना क्या क्या है। जी गुरप्रीत भाई। हेलो जी डियर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/9/1992 है जी। 3/9/1992 कनेक्टर 6 है, कुआ नंबर 8 है। 3/9/1992 कह रहे हो आप? 1/992 लास्ट में 1992। 3 मई ना? हाँ जी 3 मई कह रहे हो ना? नहीं नहीं 30 सितंबर। 30 सितंबर ओके, 30 सितंबर आगे 1992। जी डियर आप बताओ क्या कह रहे हो? ठीक है, 3 और 6 हो गया। ड्राइव हाँ जी जी, ड्राइवर 3 है, कनेक्टर 6 है। ठीक है डियर, बिल्कुल ठीक है। कनेक्टर हेलो बिल्कुल ठीक है, बताओ। हुआ जो नंबर है वो 8 है, मेरे मिसिंग नंबर है जी, मिसिंग नंबर है 4, 5, 7 और 8। ठीक है डियर। सर मुझे हेल्थ इश्यू 2018 से मुझे हेल्थ इश्यूज है। जी जी, ये 3 और 6 की वजह से है। आपने ना तो व्हाइट पहनना है ना येलो पहनना है, जितना हो सके इन दोनों रंग से दूर रहो, जितना हो सके ग्रे पहनो, रेड पहनो, ब्राउन पहनो, तेरा स्काई ब्लू पहनो, ग्रीन पहनो, यही आपके लिए स्पोर्टिव कलर है। इसके साथ साथ आप एवरी संडे गुरुद्वारे जाओ और वहां पे कुछ जाके रेड दाल दान दे के आया करो एवरी संडे के संडे। ओके सर। ये फाइनेंशियली है ना, वैसे तो इनकम है मेरी, फाइनेंशियली रेगुलर इनकम है,
बट वो स्टक हो चुकी है, इनकम बढ़ नहीं रही। आपके सिग्नेचर, आपके नेम की स्पेलिंग, आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर चेक करना पड़ेगा। जब तक वो चारों स्क्रूटर्स नहीं होंगे आपको बेनिफिट नहीं दिखाई देने वाला। कोशिश ये करो कि एक बार इन चारों सर्विस को लो, इसके चार्जेस हमारे 2500 है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके जी, थैंक यू जी। हरवीर जी, हरवीर जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा पार्टिसिपेंट। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैंने वीडियो ना करी है मेरी जी। गौरव दुआ जी, हेलो। हाँ जी गौरव जी। जय गुरु जी, कैसे सर? जय गुरु जी, जय गुरु सर। थैंक यू सो मच, मौका मिला आपसे बात करने का। मैं आपको पिछले 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू डियर। सर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 नवंबर 1988 है। मेरा ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 1 है। ओके, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है डियर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम नंबर में अपना 5 पे लाया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी 51 के 6 पे आता है और एक 50 के 5 पे आता है। ओके सर, मेरा एक जो 51 वाला नंबर है सेम वही डिजिट्स हैं जो आपके नंबर में डिजिट्स हैं, बहुत मुश्किल से लिए हैं। सर मेरे ना करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, 16 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कभी ये जॉब, कभी वो जॉब, कभी ये जॉब, कभी वो जॉब। तो सर स्टेबिलिटी कब होगी और बेस्ट प्रोफेशन क्या है मेरे लिए? एक तो तू थर्सडे के थर्सडे गरीब लोगों को फ्रूटी पिला। इंडिया में है, बाहर है? सर इंडिया में हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तू एवरी थर्सडे के थर्सडे गरीब बच्चों को फ्रूटी पिलाना स्टार्ट कर, एटलीस्ट 9 पीसेस। ओके सर। दूसरा, आज के बाद कभी तूने ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना। ठीक है सर। ठीक है, और इसके साथ साथ एक छोटा सा रेमेडी कर ले। जी सर। ना हो सके रोज सुबह सूर्य को जल दे। सर देता हूँ, उसमें चावल चीनी और रोली डाल के देता हूँ सर। सुबह 6:15 बजे? नहीं 6:15 नहीं सर, लेट हो जाता है। 6:15 कर दे और फर्क आ जाएगा तेरे को। अपने हाथ में एंजल नंबर लिख रहा है? सर लिखता हूँ, 3 नंबर है, कुआ नंबर 3 है, लिखता हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या पूछने लगा था यार? सर मेरे जो लोचो, मेरा जो ग्रिड के अंदर ना सिर्फ 3 ही नंबर आते हैं। 5 बार 1 आता है, 3 बार 8 आता है, 2 बार 9 आता है। कोई नहीं, वो 5 को ही हमें पावर बढ़ानी है। वो तू नीम की स्पेलिंग 5 पे ले गया है, उसी से सारी ब्लेसिंग्स आएगी। सिर्फ एक चीज समझने वाली है कि जितना हो सके अब हनुमान जी को पकड़ ले, क्योंकि 9 तेरा मूलांक है। रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करना ही करना है। नॉनवेज तो नहीं खाता? नहीं सर। बस ठीक है, हनुमान जी को पकड़ ले मेरे भाई, तेरा काम बन जाएंगे सारे के सारे। ओके सर, प्रोफेशन एक बार बता दीजिए थोड़ा सा, मतलब किस में? प्रोफेशन क्या करते हो अभी आप? सर अभी मैं ऑटोमोबाइल में सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। जॉब में जॉब ही है सर, वो ना अब कोरोना की वजह से भी खत्म ही होने वाली है सर। तो आगे बिजनेस करना बढ़िया रहेगा या क्या रहेगा? किस चीज में बिजनेस करना चाहता है ये बता। सर मैंने एक्चुअली पहले भी किया था, मैंने पहले बुटीक किया था, तो वो फिर जब यहाँ पे मतलब सील हो गया था, तो पहले सील हो गया था, फिर उसके बाद जीन्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री करी थी गांधीनगर में, उसमें भी लॉस हो गया सर, वहां से भी पैसा नहीं आया। तो अब सर ना तो तेरे लिए बुटीक अच्छा है, ना तेरे लिए वो अच्छा है, कुछ खाने पीने का काम कर, वो तेरे लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद दे सकता है। ओके सर, मेकिंग में या फिर प्रोडक्ट लेके सेल करने में, मतलब बेकरी में या फिर रेस्टोरेंट टाइप? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट टाइप, रेस्टोरेंट टाइप, जैसे शाम को चाप की दुकानें खुलती है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ ऐसा वो कर कोरोना खत्म होने के बाद। ठीक है सर, ये सर खाने पीने का ही या और भी कुछ? और खाने पीने का, खाने न पीने का। ओके सर, थैंक यू सर, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, जय गुरु जी। रिमू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मैम। हाँ जी सर, मैं अपने बेटे का पूछना चाहती हूँ। Okay. उसका ड्राइवर है 1, कंडक्टर है 2। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2007। ओके ठीक है। नेम नंबर आता है 2 पे। ओके गलत है। अच्छा सर, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब ना स्टडी में ना कहीं। मैडम पढ़ाई के नंबर है नहीं ना, बात वो समझो, ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, फोकस है नहीं, 22 लेके बैठा हुआ है, पढ़ाई के नंबर है नहीं। जब बच्चा पढ़ाई करता है फेस किस तरफ होता है? फेस नॉर्थ की तरफ मैक्सिमम टाइम। ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करो, जब भी ये पढ़ता है इसकी जहाँ किताबें होती हैं टेबल के ऊपर, इसको वहां पे येलो रंग का आसन बिछा के दो। ठीक है जी। दूसरा, ग्रीन कलर की बॉटल ला के दो पानी पीने के लिए। ठीक है जी। क्योंकि अभी इसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी अगले साल, अगले 2 साल इसके लिए अच्छे नहीं आने वाले हैं, अगले 2 साल इसको टेंशन देके जाएंगे।
जितना हो सके प्यार से इससे बात करो, प्यार से इसकी चीजों को समझो, प्यार की चीज इसकी मैनेज करो, वो मेन चीज है। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक जी। रचना मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम, जय गुरु जी। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1970। ओके। ड्राइवर 4 और कंडक्टर 1। ओके, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंजल नंबर 3 है और मिसिंग 2586। ग्रेट ग्रेट, बताइए कैसे हेल्प कर सकता हूँ। 41 बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ जी सर, ये सब भी बोलते हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं चाहती हूँ मुझे सक्सेस मिले। लोग सक्सेस को मनी से रिलेट करते हैं, मैं नेम फेम से। मुझे न्यूमरोलॉजी में या इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। मेरे आओ ना मैडम, ज्वाइन करो ना। पहले ये बताओ कि गले से लेके पेट तक कोई रोग तो नहीं है? हाँ जी, गले से लेके पेट तक कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ गले से लेके पेट तक? एसिडिटी प्रॉब्लम ही रहती है। ओके ओके, आपके पास 77 है, 3 भी है, आप इस विद्या को ज्वाइन करो, बहुत आपके लिए आशीर्वाद है। अभी आपका 7, 3, 10 और 11, 2, 5 और 2, 7, अभी आपका पर्सनल ईयर भी 7 चल रहा है, ये आपको ये विद्या सिखा के जाएगा। तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करो, सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली 2024 के बाद। 24 के बाद तपस्या अभी 3 साल की है, करके देख लो। पर्सनल ईयर 1 आएगा, बिल्कुल बुलंदियों पे ले जाएगा। ओके, नेम करेक्शन वगैरह तो नहीं चाहिए? कभी सब चाहिए, वो तो आप सीखोगे तब भी आपको समझ में आएगा। सर एक क्वेश्चन और है, बेटी का पूछ लूं? बताओ। बेटी की 21 जुलाई 94 है जी। उसकी स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, ना एजुकेशन में, ना बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या है ना, शी इज अ गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। हां जी, हर चीज उसके माइंड में ओपन रहती है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। हां जी, तो दिक्कत है उसके साथ। तो पहले तो उसके व्हाइट कपड़े, ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बंद करवाओ, ठीक है, जितना हो सके। और इसके साथ साथ उसको बोलो कि थर्सडे के थर्सडे गरीब लोगों को पीली येलो स्वीट्स बांटनी स्टार्ट करें। जितनी येलो स्वीट्स बांटेगी उतना इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती जाएगी। और सर ये इसका झुकाव ज्यादा 6 नंबर की ओर है, वीनस की चीज। गलत है, बिल्कुल गलत है, बेटा अगर कर देगा टेंशन दे देगा। डेस्टिनी 6 है ना इसका, डेस्टिनी नंबर। तभी कह रहा हूं 3 और 6 दोनों बेकार है ना। हमें जो कोशिश करनी है वो येलो और व्हाइट कपड़े इसको दूर रखने हैं, और कोशिश ये करना है सूर्य से आशीर्वाद ले, जितना सूर्य के पास जाएगी उतना आशीर्वाद आएगा। ग्रीन पहनना है और येलो बांटना है। पहनो, ग्रीन पहनो, रेड पहनाओ, पिंक पहनाओ, स्काई ब्लू पहनाओ, ग्रे पहनाओ, ब्राउन पहनाओ, मैरून पहनाओ, ये सब पॉजिटिव है। और व्हाइट, रेड, ब्लैक और व्हाइट और व्हाइट और येलो बंद करवा दो, व्हाइट और येलो, और डार्क ब्लू भी बंद, डार्क ब्लू करा दो जी। ठीक जी, सुदीप जी, सुदीप जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताओ सर, 1 मार्च 1999 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 1 मार्च 1999। 3 और 1 4 और 1 5। ड्राइवर, 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 कंडक्टर 5 है, कंडक्टर 5 जी। बताइए इसी के बारे में, भविष्य क्या थोड़ा सा कैसा होगा? अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, ऋतिक रोशन भी 1 और 5 का ही है। सारी कहानी ये, बेटे को बोलो फोकस हो गए काम करे, बस अय्याशी कम करे, फोकस हो गए काम करे, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, बहुत तरक्की करेगा। क्या पढ़ाई की है अभी इस समय? सर बीटेक फाइनल, बीटेक उसने कंप्लीट कर लिया है, जॉब उसकी वजह से लग गई है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट ईयर है। कोई बात नहीं, अभी मतलब शुरू नहीं हुआ है करोड़ों की वजह से। आगे आगे जाके देखोगे बहुत तरक्की करेगा बच्चा। और अगर आने वाले टाइम में अब्रॉड जाना चाहे तो अब्रॉड डाल दो, इसके जो नेम के स्पेलिंग है वो सीधा 6 पे ले जाओ। यश के नाम से है सर, यश। वही बात, तो अब आपको देखना है, हमारे पास भेज दोगे, नहीं तो हम चारों चीजें चेक करते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, उसका सर्विस चार्ज 2500 है, आप उसको देखिए प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं तो नेम के स्पेलिंग सीधा 6 पे ले जाओ। अच्छा सर, मैं अपना भी पूछ सकता हूँ अगर समय हो? मेरा 1 मई 1967। ठीक है जी। ड्राइवर, ड्राइवर हमारा 1 है, कंडक्टर 2 है। ठीक है, 1 मई 1967। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है। प्रॉपर्टी कितनी बनाई है आपने? 8 नहीं सर, 8 67, नहीं 67 है जी। अच्छा ओके, ठीक है। अब ये बताओ, 438 मिसिंग है।
हाँ, अध्यात्मिक कितने हो आप? हाँ नहीं, पूजा पाठ तो करते हैं अध्यात्मिक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यही इस डेट ऑफ बर्थ को सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हो, सिर्फ बस यही है गाय की सेवा करो। जितनी गाय की सेवा करोगे उतना लाइफ में आशीर्वाद और एडवांसमेंट आता जाएगा। और क्या प्रिकॉशन सर? ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करो, जितना ब्लैक और ब्लू से रोगे उतना आशीर्वाद है। जी जी जगदीश दवे जी, जगदीश जी जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी सर, मैं मेरे भांजे की पूछना चाहता हूँ। जी, उसका बर्थ डेट है 26 दिसंबर 1995। ओके। वो अभी जीपीएससी की वो गवर्नमेंट की क्लास 1-2 की एग्जाम दे रहा है। ड्राइवर 8 कंडक्टर 8? हाँ दोनों ही 8 है सर। जी जी जी, तो उसमें सफलता मिलेगी उसको? देखो सर, साल तो पॉजिटिव है, पर्सनल ईयर 7 आ गया है, बिल्कुल सफलता मिलेगी। सिर्फ उसको बोलो कि ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़ों से दूर रहे और जितना हो सके हनुमान जी की शरण में जाए। जितना हनुमान जी की शरण में जाएगा उतना काम बनता जाएगा। जी सर, वो उसने पहली एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है। जी जी, कल ही रिजल्ट आया है, अभी 2 महीने के बाद। और बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। उसको बोलो जितना हो सके हनुमान जी की शरण में चला जाए। और क्या रेमेडी करे के जो उसको सफलता में उसको मदद कर सके? देखो उसके लिए साथ साथ ये है, उसकी नेम की स्पेलिंग जो है वो 5 पे लेके जाने पड़ेंगे। ओके। और इसके सिग्नेचर जो है 6 पे, इसका अकाउंट नंबर जो है वो भी 6 पे, इसका मोबाइल नंबर जो है 5 या 6 पे, उसी से इसको ब्लेसिंग्स आएगी। यस। और इनको बोलो कि जितना हो सके हनुमान जी की सेवा करें, उसी से सारी ब्लेसिंग्स आएगी। यस। और दूसरा ये पूछना चाहता हूँ सर कि मेरा एक दूसरा भांजा है। जी। उसका बर्थ डेट है 22 अगस्त। जी। 2005। ठीक है। ड्राइवर 4। हाँ जी। तो उसको कौन सी लाइन लेनी चाहिए सर? 22 अगस्त 205। आठ और दो 10, 1, 5, 5 और 5, 10, 1। ठीक है, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है। इसको बोलो कि आईएएस और आईपीएस की तैयारी करे। ओके सर। जी। और इसको भी बोलो ब्लैक और डार्क ब्लू ना पहने, जितना हो सके व्हाइट पहना करे। ओके सर। जी थैंक यू सर। जी आदर्श मैम। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, जय गुरु जी। हाँ जी, मुझे अपने बेटे का पूछना था। बेटे की है 23 नवंबर 1996। ओके जी। और ड्राइवर कंडक्टर दोनों 5-5 है, कुआ नंबर 4 है। ओके, तो इसका मैं प्रोफेशन का पूछना चाह रही थी, इसके लिए क्या सही प्रोफेशन रहेगा? अब्रॉड भेज दो ना। हाँ जी, अब्रॉड भेज दो। है इसका अब्रॉड में सही रहेगा? बहुत बढ़िया है, बनाइए अब्रॉड के लिए। ड्राइवर 5 कंडक्टर 5, ऊपर 1996 से 6 आया हुआ है, भेज दो अब्रॉड। अगर ये शेयर्स में जाए तो कैसा रहेगा? नहीं मैम, देखो शेयर्स के लिए क्या है, अगर तो इसको लॉन्ग टर्म करना है 5 से 9 साल तब तो अच्छा है, वरना लॉस है। अच्छा ठीक है। और इसका मोबाइल नंबर या कुछ है, किसी नंबर पे लाने की जरूरत? सीधा 1 पे। 1 पे। 1 पे मोबाइल नंबर। जी, जी। और नेम नंबर? नेम नंबर भी 1 पे। 1 पे या 6 पे? 6 पे लाने की जरूरत है। और मैं अपना भी पूछना चाह रही थी, मेरा 5th जुलाई 1962 है। ओके जी, ड्राइवर 5 और 5th जुलाई 1962, 5 और 3 है कंडक्टर और ड्राइवर नंबर। बताइए तो, कैसे हेल्प कर सकता हूं? हां जी बताइए कैसे हेल्प कर सकता हूं? अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका 5 और 3। हां, एक तो हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज का मैंने पता करना था। थर्सडे को टेंपल जाओ, सुबह जाके केले के वृक्ष पे जल चढ़ाओ सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे। और कोशिश ये करनी है कि रात को आपने थर्सडे शाम को येलो स्वीट्स बांटो। क्या करो? स्वीट्स, येलो स्वीट्स। येलो स्वीट्स, ओके। थर्सडे को या ट्यूसडे को? ओनली थर्सडे। थर्सडे
अच्छा, वैसे हेल्थ क्या नंबर्स क्या बताते हैं? हेल्थ ठीक रहने वाली है? अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट कहीं ना कहीं फेस चल रहा है हेल्थ वाला, वो दिक्कत दे रहा है। ओके ओके ठीक जी। गैलेक्सी S10। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा बर्थ, मेरा ड्राइवर नंबर 9 है, कंडक्टर 7, कुआ 8 और पर्सनल एयर भी 8 है। ठीक है मैम। और सर मेरे में 4, 2, 5, 6 मिसिंग है। ठीक है। एंड सर मुझे मतलब पूछना था, मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। ड्राइवर कंडक्टर क्या है मैम आपका? सर ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर 7, कुआ नंबर 8। तो आप आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं बनते हो? जब 9 नंबर आपको भगवान ने दिया है तो पढ़ाई करके आईपीएस ऑफिसर बनो ना, पीएचडी करो। क्या कर रहे हो अभी आप? सर अभी तो नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपसे 2018 में ये आपसे किया हुआ, मैंने न्यूमरोलॉजी की भी आपसे जी। तो मैं अभी वैसे दोबारा सोच रही हूँ रिपीट करने की। करो बेटा, बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है आपका, आपको बहुत लाइफ के अंदर ये सपोर्ट करेगा। आप अगर साथ में इस विद्या को बिल्कुल फोकस होके करोगे, 9 और 7 कॉम्बिनेशन है आपका, ये आपको बहुत हाइट्स पे लेके जा सकता है। सिर्फ बस फोकस होके काम करो, अपना एंजल नंबर लिखो। नॉन वेज तो नहीं खाते आप? बिल्कुल भी नहीं खाते, नहीं। ग्रेट ग्रेट, बस नॉन वेज से अगर आप नहीं खाते हो, जितना हो सके हनुमान जी की शरण में जाओ। सुबह 3 दफा राम स्तुति, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा, और देखो कितना बड़ा ब्लेसिंग्स आती है। मतलब मुझे अपना गुस्सा कम करना है। गुस्सा कम करने के लिए बेटा ग्रीन वाटर बॉटल को ले, यूज कर। जितना ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिएगी, उतना तेरा एग्रेशन एंजाइटी कम होती जाएगी। ओके सर। और सर मेरी हेल्थ में कुछ दिखा रहा है वैसे, मतलब सही रहेगी आगे थोड़ा? 9 और 7 के लिए प्रॉब्लम रहती है, जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो। ओके सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी, जय गुरु जी। हां जी, जय गुरु जी सर। वीके जी। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर मुझे एक्चुअली पूछना है अपने सिस्टर के हस्बैंड के बारे में कि उनको क्या बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। उनका ड्राइवर और कंडक्टर 33 है, 30th March 1977 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। 3 ड्राइवर है, 3 कंडक्टर है, कुआ नंबर 5 है, नेम नंबर 2 पे है, गलत है। और पर्सनल ईयर भी नंबर 5 पे ले जाओ, और उनका पर्सनल ईयर भी 2 चल रहा है। हां, पर्सनल ईयर भी 5 पे ले जाओ। क्योंकि इनकी टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कुछ खाने पीने से रिलेटेड, या आप प्ले स्कूल और स्टेशनरी की दुकान, या फिर ज्योतिष, क्योंकि 33 भी है, 77 भी है, इनके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। ओके, तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल सकते हैं या प्ले स्कूल वगैरह टीचिंग में जा सकते हैं। 6 नंबर से दूर रहे बस, क्योंकि 6 नंबर इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके फैमिली में भी कुछ मियां-बीवी में थोड़ी इशू रहते हैं, तो बिकॉज़ ऑफ 2 मिसिंग और क्या है? वही 6 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, इसी वजह से ये 77 है। यही तकलीफ। 5 इनका कुआ नंबर है वैसे। तो 20% है भाई, वो तो 20% है। जीरो के बराबर है। जी। तो अगर नेम नंबर 5 पे ले जाएं तो सीधा 5 पे स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो और ये जितना जल्दी हो सके इनको बोलो एक व्हाइट क्रिस्टल पहने, उसी से शादी के अंदर ब्लेसिंग्स आएगी। और इनके साथ साथ इनको बोलो कि अपने कम्युनिकेशन के लिए एक रेड कोरल भी पहने, दोनों ब्रासलेट इनके लिए बहुत जरूरी है। रेड कोरल एंड व्हाइट क्रिस्टल, और दोनों आप क्या मिलते हैं? दोनों हमारे यहाँ मिलते हैं, रेड कोरल। ओके सर, एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, मेरे सन के बारे में थोड़ा मालूम करना था उसका। अभी बाकी लोग भी बैठे हैं, थोड़ा उनको भी हेल्प कर दें, सबकी बारी आएगी, थोड़ा और देखते हैं पहले। अभी चारू मैम, जय गुरु जी। जी मयूर भाई। हेलो हेलो जी चारू मैम, आपका बहुत ज्यादा इको आ रहा है। मयूर भाई। हेलो सर। जी मयूर मैम बताइए। सर मेरी बर्थडे है 17th May 2004। ठीक है। अब मेरा ड्राइवर 8 है। हाँ जी। और कंडक्टर 19 है। ओके। तो सर मुझे ये पूछना था कि मेरे लिए फर्दर अपॉर्चुनिटी क्या होगी जॉब के लिए? अभी क्या करना चाहते हो आप?
फिलहाल तो मैं एक 12th कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का प्लान है। बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राइवर 8 कंडक्टर 1 है, ये लाइफ में आपको हर्डल्स 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 देगा, बट जैसे ही आप अपने नेम की स्पेलिंग को बैलेंस करोगे इसी में से ब्लेसिंग्स आएगी। मेन बात ये एक चीज के ऊपर है कि आपने इसके अंदर जितना आईटी फील्ड में जाओगे उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाओ। जब भी पढ़ाई करते हो फेस किस तरफ होता है? सर नॉर्थ की तरफ। ग्रेट ग्रेट परफेक्ट है। जब भी एग्जाम देने जाओ बेटा येलो कुछ पहन के जाओ। हाँ ओके सर, मतलब मैं जब भी अभी किसी से बात करता हूँ तो ऐसे इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एक हमारे पास टाइगर आई है, टाइगर आई को लो पहनो, ग्रीन एवेंचुरिन पहनो, ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। जी जी चारू मैम। हेलो 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 मैडम, अभी भी इको ही आ रही है। शिवम भाई जय गुरु जी। शिवम जी जी राजकुमार जी नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 हेलो मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/8/1964। एक तो मेरा डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। ठीक है। तो 7 तो ड्राइव 3 नंबर और 7 नंबर मिसिंग है। ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1964। ठीक है। तो 7 नंबर कैसे मिसिंग हुआ? 25 से 7 आ तो गया। तो नहीं, वो 25 से 7 आ गया, ड्राइवर आ गया और कंडक्टर है जो 8 आ रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो रहा है और मेरा मैं बिजनेस कौन सा करूँ, क्योंकि जिससे भी साथ पार्टनरशिप में किसी में बिजनेस किया हूं, मेरे को कोरोना का नुकसान लगा है। अभी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आ रही, 3 साल से 4 साल हो रहा है। अभी क्या करना आता है आपको वो तो बताओ ना। आपको जिंदगी में पार्टनरशिप करनी है। और नहीं, मेरे को अनाज बताओ, होलसेल का अनाज का काम था, उसमें भी लॉस लगा था, लेकिन अभी मैं डिपार्टमेंटल स्टोर खोलूं तो क्या प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ भी? प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ और अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के स्पेलिंग को 6 पे लेके जाओ, तभी वो कुछ बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि आपकी कंडक्टर 8 है, ये लाइफ में आपको स्ट्रेस धोखे देगा ही देगा। नाम के स्पेलिंग अपने 5 पे ले जाओ, अपनी कंपनी के नाम के स्पेलिंग 6 पे ले जाओ और कोशिश ये करो कि जितना हो सके गाय की सेवा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका कंडक्टर 8 है, ये आपको लाइफ में तकलीफ देगा ही देगा। जी आदित्य गोयल जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर। सर मैं कनाडा में रहता हूँ। ओके आदित्य जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/7/1992। ओके जी। ड्राइवर 5 है जी, कंडक्टर 6 है। ठीक है। कुआ नंबर 8 है। ओके सर, मेरा यहाँ पर काम सेट नहीं हो रहा है। जैसे पहले मैं जॉब करता था ट्रक, उसमें नेटवर्किंग की कंपनी में। ठीक है। अभी मैं ट्रक चलाने की सोच रहा हूँ, क्या वो ठीक रहेगा? हाँ बेटा, 6 नंबर है तेरे पास, तू कर सकता है, सो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरी सेटिंग नहीं आ रही सर, काफी टाइम हो गया मुझे। सिर्फ औरतों से रिलेटेड काम वो कर ले, वही तेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। वुमेन रिलेटेड बिजनेस उनके लिए, चाहे ब्यूटी पार्लर खोल ले, चाहे बुटीक खोल ले, कुछ भी ऐसा जैसे डीओ होता है, कोई और ऐसी शॉप होती है, वो कर ले, वो तेरी सबसे बढ़िया रहेगा। सर नाम कितने नंबर पर सही रहेगा? नाम सीधा 1 पे। सीधा 1 पर? जी सीधा 1 पर। सर कोई परहेज? कोई परहेज नहीं, एंजॉय करो। थर्सडे को येलो कपड़े नहीं पहनने, थर्सडे तुम्हारा दुश्मन है बस। ओके जी। जी कविता मैम। जी राहुल भाई। सर दो मिनट, एक बार आपका कोर्स के बारे में एक बार दोबारा बताते हैं, एक बार आप बता दीजिए सर आपका कैसे चालू होगा 3 जून वाला जो आपका कोर्स है, उसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं? डियर 3 जून वाला जो हमारा कोर्स है, हम उसमें आपको बेसिक एडवांस और प्रोफेशनल पूरा सिखाएंगे और इसके अंदर 24 दिन हमारा कोर्स चलेगा। इसके अंदर आपको पूरे ढंग से समझाया जाएगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी को यूज करके
आप अपना अपने परिवार वालों का भला कर सकते हैं। इसमें आपकी नेम की स्पेलिंग, आपके सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, सब चीजों पे आपको एजुकेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी समझाया जाएगा कि कैसे आपको लाइफ के अंदर इसके ऊपर मार्केटिंग करनी है और किस ढंग से आप इसका सपोर्ट ले सकते हो। हमने सॉफ्टवेयर भी बना रखा है, वो सॉफ्टवेयर भी आप चाहोगे तो परचेज करवा देंगे आपको, वो भी आपके साथ एक बहुत बड़ा हेल्पिंग टूल हो सकता है। पर्पस हमारा यही है कि आप इस साइंस को सीखें और लाइफ के अंदर कितना इससे बेनिफिट उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपके बर्थ होते ही आपके साथ अटैच हो जाती है और वो आपके साथ होल लाइफ रहती है। कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कैसा मोबाइल नंबर लेना है, ये सब आपको एजुकेट किया जाएगा। जी राहुल भाई। सर का कोर्स 3 और 7 जून 2 दिन चालू हो रहा है जी, अलग अलग टाइमिंग है। 3 जून का टाइमिंग है 3 to 5 सेम कोर्स रहेगा और 7 जून का टाइमिंग है 7:30 to 9:30। बिल्कुल, जिसकी फीस है 12,345 रुपए, जीएसटी के 18% जीएसटी इंक्लूड करने के बाद इसका फीस होता है 14,567। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर आपको खुद लाइव पढ़ाते हैं, 24 दिन आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाएगा, पूरी तरह आपको कंसल्ट किया जाएगा, पूरी तरह आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि आपको कैसे अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो आप अपने लिए 1 question या 2 question करके रेमेडीज कर, बहुत से लोगों को सर की रेमेडीज से बेनिफिट मिला है, उन रेमेडीज को आप किस तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रॉपरली, कैसे कैसे लोगों को कर सकते हो, वो आप अच्छी तरह सीख सकते हो। यानी इसके बाद आप चाहें तो इस कोर्स को प्रोफेशनल भी कर सकते हो, प्रोफेशनली भी ले जा सकते हो, आप एज ए कंसल्टेंट भी लोगों से कंसल्ट कर सकते हो। बिल्कुल सर। सर इसके अंदर एक गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को, जिसका जो है आपकी लाइफ टाइम रिपोर्ट। दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट हम आपको देंगे पूरा सिखाने के साथ साथ, जो आपके बहुत काम आ सकती है, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के लिए, कोई भी तरह की 3 रिपोर्ट हम देंगे जिसकी कीमत है 15,300 रुपए। एक रिपोर्ट की कीमत है 5,100 और आपको हम 3 रिपोर्ट देंगे इसके। जो भी ये कोर्स करना चाहता है वो हमसे कनेक्ट कीजिए। सर आपका नंबर 9911 7365। दूसरा अलग 8021201010। और अगर आप चाहो तो इस कोर्स के अंदर हम आपको EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। राहुल भाई अपना नंबर बता दें। एक सेकंड, मैं आपको नया नंबर दे देता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट सर, मैं आपको (9549521555) मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 9549521555। जी आप चाहे तो इसके ऊपर बात करके राहुल जी से अपनी EMI बना सकते हैं इस कोर्स के लिए, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे सकते हैं, ये सब सुविधा हमारे पास है। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। चलिए और हम 5-7 मिनट साथ हैं। जी आदर्श शर्मा जी, आदर्श जी, डिंपल मैम, जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरी बेटी सर पूछना चाह रही थी। सर मैं डिंपल। जी डिंपल मैम बोलिए। हाँ जी नमस्ते सर, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। बताइए मैम। उसकी बर्थ डेट है 13/8/1993। ओके जी। उसका ड्राइवर नंबर 4 है और कंडक्टर 7 है। ठीक है सर। उसकी ना जॉब छूट गई है ये कोविड की वजह से, और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना ग्रोसरी आइटम्स जैसे होती हैं, तो वो भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और दुकान का नंबर भी 4 है। गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है। दुकान को उसके साथ उसको बोलो एक ए और चिपका दे, 4A कर दे। अच्छा जी, सबसे पहले ठीक है। दूसरा उसको बोलो जितना हो सके डॉग्स की सेवा और गाय की सेवा कर। अच्छा सर, वो फिर दोबारा से जॉब ढूंढने के लिए लग रहा है कि उसको लगा कि बिजनेस नहीं चल रहा तो मैं देखो करेगा तो एंड में बिजनेस ही करेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा जी
वो अच्छा, कौन सा बिजनेस सर ठीक रहेगा इसके लिए? आप आईटी का बिजनेस ठीक रहेगा, जो अभी काम करा वो भी ठीक रहेगा, कुछ भी खाने पीने का काम भी ठीक रह सकता है इसके ऊपर। इसे बोलो काले और नीले कपड़ों से दूर रहे। अच्छा सर, ये 29 इयर्स का हो गया है शादी का, अभी अभी कोई बन नहीं रहा इसका। इतना हो सके इसको बोलो कि फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को व्हाइट स्वीट्स बांटे, उसी से सारी ब्लेसिंग्स आएगी। फ्राइडे के फ्राइडे व्हाइट स्वीट्स? जी। अच्छा जी, ठीक है सर। ओके जी। जी चारू मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुजी मैम। अच्छा मेरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 6 है, पर दोनों के बेनिफिट नहीं है और मोबाइल का भी टोटल 7 आ रहा है। ओके। और ऑनलाइन का मैंने स्टार्ट किया है पिछले साल से, ऑनलाइन सेलिंग का जी। तो कुछ पकड़ नहीं रहा है, जैसे हुआ 7 मेरा। ओके। देखो मेन बात यही है कि कैसे आप इस न्यूमरोलॉजी से जुड़ते हो। सबसे पहले अपनी नेम की स्पेलिंग 5 पे लेके जाओ, वो सबसे बढ़िया स्पोर्ट रहेगा। जब तक आप अपने नेम के स्पेलिंग को बैलेंस नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो और अपने दोनों कान आपके छिदे होंगे, उसमें सिर्फ गोल्ड पहनो, नो डायमंड नो जर्कन। अच्छा जी। और हस्बैंड का मेरा क्या है, उनका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, ठीक है, पर बहुत ही स्ट्रगल ही है, जैसे बोलो राजा से रंग जैसे हो गए, क्योंकि बिजनेस बदले, कोर्ट कचहरी के, फिर भाइयों से रिलेशन में, तो उनको बहुत ही स्ट्रगल है लाइक। तो अभी उनको क्या करना चाहिए? मैं खुद 1-8 वाला हूँ, मेरी भी यही लाइफ थी, लेकिन जब से मैंने कोर्स किया उसके बाद मैंने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज किए। पिछले 10 साल से रोज गाय को आलू खिला रहा हूँ, हर फ्राइडे को जाके गरीब बच्चों को आइसक्रीम या रसगुल्ला बांटता हूँ। एवरी थर्सडे के थर्सडे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जाके बच्चों को फ्रूटी पिलाऊं, क्योंकि ये मैंने अपना एक नियम बना लिया है। और बेटी की भी शादी नहीं हो रही, जैसे 20 उसका 21/5/1989 है, तो 3 और 8 है ड्राइवर कंडक्टर। सीधा उनके नेम के स्पेलिंग 5 पे ले जाओ, उनका मोबाइल नंबर 5 पे ले जाओ, तभी ब्लेसिंग्स आएगी। और उसको बोलो जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे गरीब बच्चों को फ्रूटी या येलो स्वीट्स बांटे। बराबर है। और दूसरे एक सेकंड, जगदीप जी, जय गुरु जी। राजेश्वर जी, जय गुरु जी। शिवम जी, जी जी नमस्कार जी। जी राजेश्वर भाई, सब लड़की का जन्मदिन है सब 27/4/1999 मूलांक 9 है सब, भाग्यांक 5 है सब। ठीक है, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है जी। क्या पूछना है सब, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? अभी नो एमएससी कर रहे सब, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे अभी जेनेटिक्स में। बहुत अच्छा है, 9 और 5 बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जी सर। और कुछ फ्यूचर इनका कैसा रहेगा सब, और आगे के लिए क्या करना है इनको? सर बस 6 नंबर वाले लड़के से मैरिज नहीं करवानी, ये ध्यान रखना। 8 और 4 से भी नहीं करानी, ये इनके दुश्मन है। और जितना हो सके इनको बोलो हनुमान जी की सेवा करे, हनुमान जी की शरण में जाए। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े कभी ना पहने, उनके लिए इसी के अंदर सारी ब्लेसिंग्स आएगी सब। और ये अब्रॉड जाना चाह रही सब, ये मुश्किल है, रेमेडी करो, नेम की स्पेलिंग को बैलेंस करो, तभी उसके ऊपर काम हो पाएगा। जी अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जी शिवम जी, सॉरी जी कपिल भाई। यस सर, जय गुरु जी। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1984 सर, और ड्राइवर 3 और कंडक्टर 9 है सर। ठीक है, तो मेरा कुछ भी काम बन नहीं रहा है सही से, मतलब। क्या क्या रेमेडी की आपने, नेम की स्पेलिंग कहाँ ले गए आप? अभी जो मैंने चेंजेस किया है, पहले कपिल जो है वो 15/6 पे आता था, लेकिन अभी मैं उसको 5 पे लाया, 23/5 पे। क्या रोज नेम की स्पेलिंग लिख रहे हो? और रावल का पहले 13 पे आ रहा था, उसमें अभी एक एड किया, तो अभी 14/5 पे आ रहा है, तो अभी टोटल मेरा पूरा नाम 1 पे आ रहा है मेरा। ठीक है, आप रोज अपने नाम की स्पेलिंग लिख रहे हो?
नहीं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आपको पूछने का था कि ये जो मैंने चेंज किया वो सही है कि गलत है। गलत है, उसको पांच पे लेके जाओ, पूरा नाम पांच पे आना चाहिए, पूरा नाम पांच पे आना चाहिए। जी जी जी। तो पूरा नाम पांच पे आ ही नहीं रहा क्योंकि मैंने काफी बार ट्राई किया, क्योंकि पूरा नाम वन पे आ रहा है कपिल। 2000 पे, 2500 पे हमारे चार्जेस है, आप भेजे आपकी नेम स्पेलिंग, आपके सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर चेक होगा उसके बाद होगा। अच्छा अच्छा। और दूसरा सर, मेरे को ये न्यूमरोलॉजी के फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर, प्रोफेशनल लाइफ? तीन नंबर है आपका, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, तीन नंबर दिया आपको भगवान ने। अच्छा अच्छा जी। यस। और मेरे फादर का है ड्राइवर 5 और कंडक्टर 7 है, उसको हेल्थ की इश्यू रहता है, हेल्थ का। जितना हो सके उनको बोलो चींटियों को आटा डाले, उसी से सोल्यूशन आएगा, डॉक्टर को दिखाओ साथ में। अच्छा अच्छा। और उसका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, बिल्कुल ख्याल करो, बहुत डेंजरस ईयर है। अच्छा। और मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है सर। बहुत अच्छा ईयर है, बहुत ग्रोथ मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। और मेरा मोबाइल नंबर 8 पे आ रहा है। कोई नहीं, उसको सीधा जो है 5 पे लेके जाना या 1 पे। अच्छा। और मेरे फादर का नंबर किस पे ले जाने का सर? जी शिवम भाई, आप लास्ट हो, फिर चलेंगे। सर जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया डियर, आप बताओ। सर मैं अच्छा हूँ। सर मेरा मूलांक 3 है और सर भाग्यांक मेरा 4 है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर मेरे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहती हैं सर। okay. और सर करियर बेबी सेट नहीं हो पाया है। और सर मैं अक्सर सर मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। okay. तीन नंबर आपको हमेशा पढ़ाई के लिए पॉजिटिव लेके जाएगा। जी जी। 4 नंबर जो है ये कहता है कि और फोकस होके पढ़ाई करो। अगर आप टीचिंग लाइन में जाओ आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप इसके साथ साथ कुछ ऐसा काम करते हो जो काउंसलिंग के अंदर आता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सर मेरा नेम कट सर टोटल आता है 41 और सर मोबाइल नंबर 8 पर आता है। ग्रेट ग्रेट, 41 बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और सर मोबाइल नंबर 8 पे आता है। गलत है, उसको भी सीधा 1 पे ले जाओ। ओके ओके सर। और सर मैं सर अक्सर भूल जाता हूँ सर, जैसे कोई बात मतलब कि बोलने जब सामने स्टार्ट करो डियर, लिखना स्टार्ट करो, जितना लिखोगे okay. उतनी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आपका बर्थ में नंबर बहुत मिसिंग है, वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, जितना लिखोगे। और सर स्वास्थ्य को लेकर सर एक काम करा करो, थर्सडे के थर्सडे गुरुद्वारे में पंपकिन येलो कलर का छुड़वाना स्टार्ट करो। ओके ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। जब तक आप ठीक ना हो जाओ हर थर्सडे के थर्सडे पंपकिन छुड़वाओ, और सुबह सुबह छुड़वाओ 8-9 बजे तक। जी जी। चलिए ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना का टाइम है, भूल के भी आप बिना मास्क के बाहर ना निकले, कोशिश यही करें कि जब तक जरूरी ना हो आपने किसी भी हालत के अंदर बाहर नहीं जाना, 100% हो तभी जाना है। मेरा कोर्स परसों स्टार्ट हो रहा है, अगर आप चाहे 3 तारीख से तो एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको हम बार बार ही ट्रेलर दिखाते रहते हैं, ट्रेलर क्यों दिखाते हैं, ताकि हम थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करना चाहते हैं। अदरवाइज मेरे वीडियोस आप देखो, मेरी वीडियोस में इतना कुछ दिया है कि आप सारी उससे भी देख के समझ सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों होता है कि मेरे पास कुछ फ्यू सेकेंड्स होते हैं, आपने अपना पूछा, अपने सिस्टर का पूछा, अपने पापा का पूछा, अपनी मम्मी का पूछा, और भी दोस्त हैं मेरे जो वेट कर रहे होते हैं। सारी बात यह है कि हर एक बंदे को अपना क्वेश्चन स्पेसिफिक करेगा, एक क्वेश्चन करो, चीजों को देखो, फिर अगली बारी आ जाओ। कारण क्या है ना, बाकी लोग भी बैठे होते हैं, मुझे उनका भी ख्याल करना है। बट कोई नहीं, जिन लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है कोशिश करेंगे, शायद वेडनेसडे को एक वेबिनार और रखते हैं दोपहर को 3 बजे के आसपास, आप सबको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय गुरु जी।